देखिए, लॉकडाउन के कोई निर्देश तो अभी नहीं आए हैं, पर जो परिस्थितियां अभी हैं और जनरल परिस्थितियां देख लें अगर अपन, तो उसमें ऐसा लगता है कुछ दिन तो बढ़ाया जाना पड़ेगा इसको। जो है शासन या केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, आने वाला वक्त बतलाएगा ये। पर अभी की परिस्थिति, देश की भी परिस्थितियां हैं, तो प्रिकॉशनली तो कुछ बढ़ाया जाना चाहिए अभी, ताकि पूरी तरह से खत्म हो जाए कोरोना, ये तभी इसको खोला जाना चाहिए। जैसे ही खुलेगा देश का लॉकडाउन, सब आना जाना लोगों का शुरू हो जाएगा, तो जिन क्षेत्रों में नहीं भी है वहां भी पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए इसको थोड़ा, मुझे लगता है कि सरकार इस पर निर्णय कुछ कुछ लेगी अभी। देखिए, यहाँ पर अभी वर्तमान में दो चीजों पे हम लोगों की रोज कार्रवाइयां चल रही हैं। एक तो आम जनता के लिए जो राशन हम लोग व्यवस्था है, राशन हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, या जो ऐसे गरीब वर्ग हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है, उनके यहाँ रेगुलर जो काफी हजारों की संख्या में पैकेट जा रहे हैं राशन के या खाने के, उस व्यवस्था चलता रहे। ऐसी अस्पतालों का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पतालों में येलो अस्पताल भी इंपॉर्टेंट है, रेड भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन अस्पताल भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक डॉक्टर्स की टीम हम लोग की बनी हुई है, और उन डॉक्टर्स की टीम में डेली हम लोग की बैठकें होती हैं, और जो भी इश्यूज रहते हैं, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके हो, चाहे बाईपैप्स की अवेलेबिलिटी को लेके हो, चाहे कोई पर्टिकुलर दवाई की अवेलेबिलिटी को लेके हो, चाहे आगे के रोल आउट प्लान, किसको रेड में लेना है, किसको येलो में जाना है, उसकी अवेलेबिलिटी की बात हो, प्लस ग्रीन अस्पतालों में किस प्रकार से अस्पताल संचालक कार्य कर रहे हैं उसकी बात हो, उसमें चर्चा होती है, बात करते हैं हम लोग, और जो भी कंसर्निंग हॉस्पिटल से बात करनी होती है उनसे ही बात करते हैं। उस संबंध में अभी हम लोग की आज सुबह वाली बैठक थी है, जिसमें कि ट्रीटमेंट्स के ऊपर ये भी आना है देखने में कि वेंटिलेटर से ज़्यादा फायदा बाईपैप्स पे हो रहा है। वेंटिलेटर्स क्योंकि इन्वेसिव रहता है, बाईपैप से फायदा हो रहा है। कुछ श्रेणी में स्टेरॉइड्स देने पे लोगों को फायदा हो रहा है, भंडारी अस्पताल में भी हुआ है, नेशनल लेवल पे हो रहा है। कुछ एक पर्टिकुलर दवाई आती है वो 25 से 40 हज़ार की आती है, उससे भी बहुत फायदा पेशेंट को नेशनल लेवल पे हुआ है। उस संबंध में डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी हैं, वो हेल्थ मिनिस्ट्री के भी ऑटो इम्यून सिस्टम में सलाह देते रहते हैं, सीनियर इसमें साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं वो। उनका भी सजेशन ये था डॉक्टर भंडारी को अरविंदो में, चूंकि दवाई महंगी आती है तो उसको मैंने रेडक्रॉस से बोला है अभी खरीद करके अस्पतालों में दे दें, जहां जहां आवश्यकता हो फिर हम रेडक्रॉस ही बुलाते रहे, उन्होंने रेडक्रॉस से पेमेंट करते रहेंगे। इस प्रकार के जितने भी उपाय हो सकते हैं, ये शहर की जनता का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मोर्टेलिटी बिल्कुल भी ना हो, उस चीज को हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस फील्ड में भी जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं उनका शिफ्टिंग कराना अस्पतालों में, उनके घर को सैनिटाइज करना, आसपास को, उनके घर वालों को क्वारंटाइन करना, ये सब गतिविधियों में साथ साथ चल रही है हम लोगों की। किराना दुकान खोलना है शहर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, सांसद जी ने ऐसा कुछ बोला भी मुझे नहीं लगता है बोला है, मैं हर समय से यही बात चल रही। कल भी हम सबकी बैठक भी हुई थी जनप्रतिनिधियों के साथ में, हम लोग भी नियमित बैठक कर रहे हैं, और क्योंकि बाहर निकलना किसी भी जनप्रतिनिधि का, पब्लिक एकदम से निकलती है, ये भी जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं, तो वो लोग भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि उनके निकलने से जनता इकट्ठी हो जाए, कुछ हो जाए, जनता के स्वास्थ्य को खतरा है। ये ऐसा मामला है कर्फ्यू का, लॉकडाउन का, कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग निकल भी नहीं सकते हैं बाहर, किंतु निरंतर हम लोग संपर्क में हैं, और हम लोगों की मीटिंग्स में कहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि, पर यह है कि अधिक, उन्होंने सांसद जी ने बोला भी होगा, तो किराना सप्लायर करता है जो किराना दुकान वाले ही हैं, इनकी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, उसके लिए सांसद महोदय ने बोला होगा, जो कल बात भी हुई थी उसमें सांसद जी ने बोला भी था कि बढ़ाया जाए, तो उसमें हम लोग बढ़ा भी रहे हैं, सांसद जी के निर्देश में हम लोग बढ़ा भी रहे हैं दुकानें। सर, खाद्य संघ का रोस्टर तैयार किया ताकि वो भी हर अस्पताल का अपना अलग सिस्टम है। जैसे अगर आप मेदांता अस्पताल का देखें तो 1/3 स्टाफ उनका, 1/3 से मतलब लगभग 1/3 स्टाफ रहता है, बाकी रोटेशन बुलाते हैं 5-5 दिन में, 6-6 दिन में, कहीं पर 7 दिन 10 दिन 15 दिन का भी है, तो वो रोटेशन अलग अलग बना के रखते हैं अस्पताल वाले, और उनको रखना भी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट भी है वो। देखिए नगर, हाँ, जो खाद्य सामग्री का सिस्टम है पूरा, उसमें जो किराना सप्लाई करता है प्लस जो हमारे ऑनलाइन शॉपिंग की संस्थाएं हैं, ये निरंतर भुगतान के आधार पर दे रही हैं। जो हमारी मुफ्त की राशन जा रही है वो लगभग 1 लाख परिवार है नगर निगम सीमा क्षेत्र में, 80 हज़ार से 1 लाख होंगे, जिनके पास लेबर वर्ग है, उनके पास पैसा भी नहीं है, चूंकि रोजगार उनका भी नहीं है, उनके पास में इतना पैसा भी नहीं है कि वो खाना खरीद के, किराना खरीद के ले सके। ऐसे लोगों के लिए जितने भी शहर के लोग हैं, अधिक से अधिक संख्या में जनता में आए, संदीप सोनी जी हैं एडिशनल कमिश्नर नगर निगम, और आशीष सिंह जी हैं वो हैंडल कर रहे हैं उसको। हम लोग के संपर्क में जो लोग आ रहे हैं हम लोग वहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, सामान आ भी रहा है। जितने अधिक लोग इनसे फोन में बात करके, और गाड़ी नगर निगम की आ जाएगी, किसी को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लोग चेक देने के लिए प्रयास करते हैं कि कलेक्टेड आए और उसमें फोटो खींचे, तो मैंने वो भी स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, कोई व्यक्ति अगर चेक देके फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो हमने मना कर रखा है कि हम फिर रेडक्रॉस पर ही लेंगे। हमने RTGS नंबर दिया हुआ है, रेडक्रॉस में पैसा दे सकते हैं,
संदीप सोनी या आशीष सिंह जी को बोल दें, नगर निगम गाड़ी आगे कलेक्ट कर जाएगी जहां बोलेंगे। सच्चे मन से लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें जो है। सर, एक समस्या संबंधी जानकारी देनी हो या किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो, वो कॉल लग नहीं रहे, वो एक बड़ी समस्या बनी हुई लोगों के सामने। देखिए, टेली मेडिसिन सेंटर है, 10 लाइन्स हैं उसमें, मुझे शिकायत मिली थी ये, मैंने पता लगाया तो एक तो कुछ वोडाफोन का इशू आ रहा है, जो वोडाफोन से लोग लगाते हैं उसमें इशू आ रहा है, मैंने बोला है चेक करने के लिए ऐसा इशू क्यों आ रहा है। और दूसरा इशू है, जब 10 लाइन्स में भी जब 11वां कोई लगाता है ना, तब फिर दिक्कत आती है। तो मैंने बोला कि अगर ऐसी स्थिति है तो आप लाइन्स बढ़ाई जाएं उसमें, तो मैंने सीओ जिला पंचायत को बोला है इस संबंध में। निजी अस्पतालों के साथ रात में सुधार क्या स्थिति बनी है? सुधार है, और अगर नहीं सुधार आएगा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। आज शहर की जनता को अगर स्वास्थ्य के लिए इन निजी अस्पतालों की आवश्यकता है तो निजी अस्पताल के संचालक गणों का जिम्मेदारी है और उनके लिए बंधनकारी है कि वो जनता की सेवा करें, स्पष्ट बोल रहे हैं। आज ही हमने अरिहंत में डॉक्टर बंगानी को बोला है कि आपका बड़ा सम्मान है शहर में, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं इस शहर में, पर किंतु पिछले 10-12 दिनों से मैं देख रहा हूं कि अरिहंत की शिकायतें लगातार आ रही हैं। उन्होंने अपनी उनका स्टाफ क्वारंटाइन भेज दिया है, बिल्कुल गलत बात है ये। अगर इस प्रकार से क्वारंटाइन अगर जाने लगे लोग तो हमारे आप लोग मीडिया साथी हो, हमारे सारे अधिकारी जिस तरह से हम लोग मूव कर रहे हैं, हम सबको क्वारंटाइन में चला जाना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बंगानी, मैंने बोला है कि आप इतने सम्मानजनक डॉक्टर हैं यहाँ के, और आप 10-12 दिनों से आप जनता की, जो शहर की जनता को सेवा की आवश्यकता है, आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं सेवा। तो अल्टीमेटली मेरे लिए कोई अब रास्ता नहीं बचता है कि मैं आपको शोकाज नोटिस देके आपका ये अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दूं। मैं वो ये करूंगा तो आपकी बेइज्जती होगी पब्लिक के बीच में। तो इस तरह की मैंने कार्रवाई भी सोची है, मैंने आज बोला भी, आज सुबह मैंने फोन लगाया था डॉक्टर बंगानी को। तो जो लोग नहीं करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।